हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हो? मैं स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अंशु ने खाया है खाना, अभी खाना ही खा रहा था। तो आप लोग कैसे हो? मैं स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अमित सुषमा ब्लॉग में। और फ्रेंड कर रही थी दो तीन दिन से कर 10-12 दिन से तैयारी, रोज मार्केट, डेली मार्केट जाना कुछ ना कुछ लेने। तो टाइम इतना रहता नहीं है, सर्दियों का टाइम है, हाँ तुरंत टाइम निकल जाता है थोड़ा थोड़ा करके। मार्केट से शॉपिंग की है तो हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी कल, तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा। मैं तो पहली बार जा रही हूँ और अमित जी तो कई बार होके आए माता रानी पे। अंशु कम करो थोड़ी, अंशु देख रहा है टीवी। तुम चलोगे? चलोगे? नौता अभी खाना खा रहा है। नौता खाने नहीं, वहां चलोगे वैष्णो देवी? हाँ? नहीं मुझे नहीं जाना। हाँ। कहाँ जाओगे? हमें चिड़िया खाए जाएंगे। तो फ्रेंड ये जाएगा चिड़ियाघर, और मतलब अंशु नहीं जा रहा है क्योंकि अंशु को सर्दी ज्यादा लगती है और बीमार हो जाता है, तो इस वजह से अंशु को नहीं ले जा रहा है। तो अंशु रहेगा मम्मी के पास, तो मम्मी घुमाएंगी इसको। कहाँ कहाँ घूमोगे और दादी के साथ कहाँ घूमोगे? चिड़िया खाई जाएगी तो चिड़ियाघर जाएगा और तोता से बटन तोता देखेगा, शेर देखेगा और मगरमच्छ। हाँ क्या बोलते हैं? मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ। तो फ्रेंड अंशु जाएगा अपनी दादी के साथ घूमने और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, वहां से शिमला भी जा सकते हैं। और इसलिए मैं कर रही हूँ तैयारी, बैग वैग लगा लिए हैं, अभी बैग लगाए नहीं है, लगा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बैग तैयार है, सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया है क्योंकि बैग छोटा पड़ रहा है। इसमें हम तीन लोगों के कपड़े नहीं आ रहे हैं, मेरे, अंशु के, अमित जी के, तो एक बैग और लगाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने ऐसे तैयार करके रख दिया है सारा सामान, जो एक बैग और निकालूंगी उसके बाद सामान सारा लगाऊंगी और आज ही सारी तैयारी कर देंगे। कल सिर्फ जाने का रहेगा क्योंकि सुबह का काम भी रहता है और थोड़ा खाने पीने के लिए भी बनाएंगे, तो इस वजह से मैं अभी बैग लगा दूंगी। तो मेरा सामान तो सारा रख गया है, बस सिर्फ रखना बाकी है। तो चलते हैं फ्रेंड, अभी बना लेते हैं खाना शाम का, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड हमारा अंशु गाना सुनाता है बहुत ही अच्छा, गेरुआ गेरुआ वाला, कैसे सुना? चरम सुनाओ जल्दी मुझे, चरम में काला सा है चरम। हाँ सुना, हाँ चरम में भी सुना, हाँ सुना। चरम 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 साक चरदाक रे, कसम में कसम नाक ये नाक ये एक चाक। अच्छा जन्म जन्म और ये किसी के ये। अच्छे अच्छे गाओ, फिर हम पास्ता बनाएंगे। कौन सा? अच्छे काम पे के चिकन बनाइए। हाँ चिकन बनाऊंगी, बताओ गाना गाओ। तो फ्रेंड सुना दिया, आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करके प्लीज बताइए कि इसने कौन सा वाला गाना सुनाया है। तो चलते हैं, चलो थोड़ी सी देर में मिलते हैं आपसे। काले गेटा चिकन बनाई के कहेगी ये खाएगा चिकन, बहुत चिकन खाने वाला है ना। चिकन बनाई कहेगी? नहीं नहीं बनाऊंगी चिकन। नहीं बनाऊंगी चिकन। तो कह रहा है कि सुपर मार्केट चलिए चिकन गया। गंदी बात कटिया, चिकन गया गया। चुप चुप, चिकन मैं खाऊंगा चिकन बनाओ। चिकन बनाई अब मैं काटूंगा। मशरूम खा लेना, मशरूम मत सुनाई, चिकन का बैगर बनाया गया।
अब तो चिकन खा ही रहेगा। कहाँ से कहाँ मिलेगा चिकन ये तो बताओ। मैंने तो मशरूम नहीं खाऊंगा, नहीं मुझे चिकन अगर मैं खाऊंगा। कहाँ पे कहाँ मिलेगा चिकन, कहाँ मिलेगा? दादी अगर सुपर मार्केट का चिकन ये। दादी के संग चले जाओ सुपर मार्केट में चिकन मिलेगा। हाँ। मम्मी फिर दादी अगर सुपर मार्केट चिकन लिया उसे अगर चिकन बनाओ और उसे चिकन तो फ्रेंड हम आ गए स्टेशन और ये रखा है हमारा सामान और ट्रेन है बहुत लेट, 2 घंटे लेट है। 11 बजे की ट्रेन थी और 1:15 बजे आई थी स्टेशन पर, तो बस उसी का इंतजार कर रहे हैं और जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। चलते हैं और खड़ा है इंतजार कर रहा है, तो मिलते हैं ट्रेन आने के बाद। जी फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं रेल पर, रेलवे स्टेशन। जो मम्मी और पापा जहाँ बैठे हैं बातें कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, सुबह के 7:25 उठ के बातें करने लग गई है। जी गाइस हम ट्रेन से निकल चुके हैं। मॉर्निंग पहुंच गए दिल्ली और पी रही चाय। देखिए बाहर 8 बज चुके हैं सुबह के, तो फ्रेंड हम ग्वालियर से और पंजाब आ गए हैं जलंधर और 1:30 बज रहा है, 12 घंटे हो गए ना, 12:30 घंटे हो गए ग्वालियर से जलंधर आते आते पंजाब, और हम वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे 6-7 बजे तक अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो। ट्रेन बहुत लेट चल रही है, 11 बजे की ट्रेन थी तो हम 1:30 बजे आई हमारी ट्रेन, तो बस सो के उठते ही जा रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए लीची बैठे हुए हैं, डेगू खड़ा हुआ है, डेगू को बैठना नहीं है सिर्फ लेटना है और खड़े होना है, बैठ नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो चलते हैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा, व्यू दिखाती हूँ कितना अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है और अच्छा लग रहा है। और हम पहुँच गए हैं सुजनपुर, सुजनपुर तो बहुत पहले निकल गए। हाँ तो बस पहुँच जाएंगे जम्मू 9 बजे तक, और पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय, उधर पी रहा है देवू बैठा हुआ है भैया ने। सर्दी महसूस होने लगी यहाँ से, अच्छा हल्की सी सर्दी हो रही है, अब वो तो एसी में बैठे हैं तो इस वजह से सर्दी नहीं लगी, पर अब उतरेंगे ना कटरा बहुत ठंड लगने वाली है।
माता दी। और हम आ चुके हैं कटरा और अब जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं आगे, पहले कहाँ चलेंगे? पहले तो बाहर निकलेंगे, होटल भी बाद में, पहले बाहर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं बाहर, फिर मिलते हैं आपसे, बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड ये ट्रेन रुकी हुई है, इससे हम आए थी। तो चलते हैं आगे की तरफ। Bye bye, Jai Mata Di.